रायबरेली में एक बार फिर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक दर्जन लोग घायल हुए हैं और आधा दर्जन क्षतिग्रस्त हो गए। अनियंत्रित गति से ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी और कार को घसीटता हुआ चाय के ठेले में घुस गया। दुर्घटना में ट्रक और बस ड्राइवर समेत कुल 9 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में बस पर सवार यात्री भी शामिल हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे का है। यहां सुल्तानपुर से आ रहा ट्रक जैसे ही सिविल लाइन चौराहे पर पहुंचा, प्रयागराज की ओर से आ रही रोडवेज बस आमने सामने आ गई। ट्रक ने बस को बचाने के लिए एक तरफ काटा, लेकिन तब तक बस के गेट की तरफ से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद अनियंत्रित ट्रक एक कार से रगड़ते हुए मौजी रेस्टोरेंट के सामने लगे चाय के ठेले में जाकर घुस गया। घटना में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। गनीमत रही कि चाय के ठेले पर उस समय कम ग्राहक मौजूद थे। हालांकि चाय ठेले वाले की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वहीं दूसरी घटना में शहर के एक प्रतिष्ठित होटल के सामने एक लग्जरी कार ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शे पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त रायबरेली जिला अस्पताल में हूं। आज दुर्घटना को दिन रात, जहां एक ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी, साथ ही साथ एक चाय की दुकान पर ठोकर मारी, उसके बाद जो है एक कार को भी ठोकर मारी, जिसमें कि बताया जाता है कि 9 लोग एडमिट हो गए, यानी कि 9 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शाम को लगभग 6-7 बजे के बीच में शहर के गणेश होटल के पास जो है एक लग्जरी कार ने एक ई ऑटो चालक को टक्कर मार दी, जिससे कि जो है 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं यातायात और जो है यातायात पुलिस और ट्रैफिक की वजह से दुर्घटनाओं का माहौल बढ़ता जा रहा है। लोग घायल होकर जिला अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन मौके पर क्या होता है कि जो है वाहन को हटाकर किनारे लगा दिया जाता है, घायल मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और बाकी थाना पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्या इससे दुर्घटनाएँ रुकेंगी? एक बार फिर से यातायात को सुगम बनाने के लिए यहाँ की व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। आनंद भाव से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। सर, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये परिवहन की बस डी के तरफ से आ रही थी और अपने ही जिले के लोग काफ़ी उसमें सवार थे और एक बड़ी ट्रक जो लखनऊ की तरफ से आ रही थी, ये अचानक 5:30 बजे सवेरे की घटना है, दोनों में आपस में टक्कर हो गया, बीच में एक कार भी फंस गई, लेकिन तुरंत प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, सारे लोग पहुंच करके। कितने लोग घायल हैं, इसमें कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई? इसमें कुछ 9 लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका प्रॉपर रूप से चिकित्सा हो रही है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और हम लोग लगे हुए हैं, सारे लोगों को सुरक्षित बचाया गया है और कोई दिक्कत नहीं है, सबकी चिकित्सा हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या पर्ची है? डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट का मामला है, 108 एम्बुलेंस के द्वारा करीब 9 पेशेंट लाए गए हैं, जो सिविल लाइन पे बस और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 9 में से एग्जामिन करने पे करीब 4 लोग सीरियस हैं, लेकिन एडमिट 8-9 लोगों को कर दिया गया, उनके ट्रीटमेंट चालू, 4 बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसमें आर्थोपेडिक सर्जन को बुलाया गया, हमारे सर्जन साहब आए हैं जो आके इलाज कर देख रहे हैं, अब आगे देखना, हो सकता मे भी रेफर कर दिया जाए, 4-5 कंडीशन सीरियस है, एडमिट हो गए, इलाज चल रहा है उनका। लाइन चल रहा है यहाँ पे कि रोडवेज जो है आपका घोड़ा या ट्रक से आ रहा था, ये लोडर ट्रक है, इसने इसको मार दिया है और उसमें काफ़ी फंस गया है, तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 2 आपके हाइड्रा लगी हुई हैं और 2 और निकला, जो घायल थे उनको अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन अभी भी 2-3 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।